और हजी चंद ने बड़ी मेहरबानी की कि आपने एक दोस्त के घर तशरीफ लाए हत्या के लिए, और उन्होंने हमेशा बड़ा प्यार दिया, मैं उनके प्यार के बड़े मशहूर हैं, और हजी अजीज से बड़ा प्यार किया, उनको हर तकलीफ में दुख में, उनको हर बीमारी में 8-10 दिन के बाद ज़रूर टेलीफोन करते थे, खैर से ये पूछते थे, और आज ने मेहरबानी की कि उनके खाते के लिए तशरीफ लाए, हम उनके मशहूर हैं। अब बाकी बातें हैं जो जरदारी साहब खुद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा था कि मुझे लिखा, मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी अदील साहब का जाना इस दुनिया से, मैं समझता हूँ कि सियासत की दुनिया में एक बहुत बड़ा हाल है। एक बहुत बड़े अजीम सियासतदान थे हमारे, तो बुजुर्ग भी थे, दोस्त भी थे, भाई भी थे, और उन जैसे लोग अब सियासत में बहुत कम रह गए हैं। कोशिश रहेगी कि मैं उनके नक्शे कदम पे खुद भी चलूं, दूसरों को भी हिदायत करूं और ANP को भी हिदायत करूं कि उनके नक्शे कदम पे चल सके। इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को बचा के रखना है। हाजी अदील साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी सेक्रीफाइस की, और जमहूरियत की राह से वो कभी नहीं हटे। मुल्क में ऑफर की बातें चल रही है, इमरान खान साहब ने पहले बात की कि उन्हें ऑफर हुई नवाज शरीफ की तरफ से, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से हुकूमत। आप देखे ना, हम आए यहाँ अफसोस की, आप बात कर रहे हैं रिश्वतों की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेशावर हाजी अदील के घर ताजियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाजी अदील का इंतकाल सियासत का बड़ा नुकसान है।